खबर के प्रायोजक है महादेव मार्बल एंड ग्रेनाइट। प्रोजगु दादा राजस्थान वाले। 11 वर्षों से सुल्तानपुर की बड़ी बिल्डिंगों पर राज करने वाले महादेव मार्बल एंड ग्रेनाइट। मार्बल ग्रेनाइट की हर तरह की डिजाइन में वैरायटी उपलब्ध करें उचित रेट पर। पता महार चौराहा लखनऊ रोड सुल्तानपुर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में करीब 2 हफ्ते पूर्व हुई बीमार लेखपाल की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। अपना दल इसके जिलाध्यक्ष ने इस मामले में सीधे SDM जयसिंहपुर को कटघरे में खड़ा करते हुए जिलाधिकारी से शिकायत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। बहरहाल जिलाधिकारी ने उन्हें कार्रवाई के लिए आश्वासित किया। वहीं SDM ने खिलाफ हुई शिकायत के बाद प्रशासन खेमे में हड़कंप मच गया। आपको हम बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील का, जहां तैनात लेखपाल रामजन वर्मा ने काट फाइलेरिया समेत तमाम गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। इनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। नौकरी करने के साथ साथ वे अपना इलाज भी बेहतर चाह रहे थे, लिहाजा अपनी बीमारी संबंधित कागजात लगातार लेखपाल रामजन वर्मा ने 25 जुलाई 2022 को तत्कालीन जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से सदर तहसील में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। पूरे जांच उपरांत बीमारी संबंधी सूचना वहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी सुल्तानपुर के निर्देश पर तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन ने लेखपाल रामजन्म वर्मा का तबादला 2 मार्च 2023 को जयसिंहपुर तहसील से सदर तहसील कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आला अधिकारियों के निर्देश के बाद भी जयसिंहपुर के SDM संजीव यादव ने लेखपाल रामजन वर्मा को यहाँ से सदर तहसील के लिए रिलीव नहीं किया। लेखपाल रामजन वर्मा लगातार SDM संजीव यादव से अपनी बीमारी की दुहाई देते रहे, फिर भी SDM साहब का दिल नहीं पसीजा। वहीं अपनी आप बीती लेखपाल रामजन वर्मा ने अपना दल के जिलाध्यक्ष से भी सुनाई थी। पहले आप ये आइडियो सुन लीजिए, उसके बाद आपको आगे की मामले बताते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते। नमस्ते, रामजन वर्मा बोल रही है। हाँ भैया, हाँ ठीक है। काते सदी हमारे वजन में मुलाकात देर ना हो पाई से बज रहे हैं। पर बीमार रिलीवन की समका गांव कहाँ था? एप्लीकेशन दे, एप्लीकेशन लेबन आए कि इन कि हम रिलीव नहीं करेंगे। हाँ तो हमारे मुंह निकल ये आप सब क्या ट्रांसफर हो तुरंत भागी आते हैं। हाँ कहीं नहीं करेंगे, जग बता दो इससे बताना हो। हम क्या हम कैसे कहा पर हम क्या तुम्हारे पकड़िए ना इन्हें। हाँ हाँ ये पकड़ गया है। अच्छा हाँ ये दिन जैसे इम्पोर्ट नहीं ये रिलीव ना करता है ना ये कई गांव कहे महीने हो ये आ रहे भाई गाँव कहा दिया कहीं से रिलीव कर दीजिए। एप्लीकेशन लेकर खड़े तो एप्लीकेशन तक ना लेते जल्दी हम SDM में रिलीव करी ली। तहसीलदार सही आ रहे हैं चला फिर हम बतिया दियारो साहब बतिया बहुत बतियारो साहब टाइप करी चला ठीक है। हाँ सीधे SDM की एकदम हम रही तुरंत कह रही है इलाज करावे बता ये कई दिन ट्रांसफर कराए अपन का है कि रिलीव नहीं करेंगे जिससे कहना हो कह दो। हाँ हाँ डायरेक्ट। अच्छा हाँ कहानी तुम्हें तेरा लगा थी भागिए हम बताए कि सर मुझे इलाज करवाना है इसी सी कंडीशन है। हम थोड़ा नजदीक हो जाएंगे घर के बगल में तो हमारा इलाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, काम भी करते रहेंगे। हाँ और 40 किलोमीटर हम आते हैं, इतना लंबा क्षेत्र है 30-30 गांव का। हाँ तो कैसे झेलेंगे हम हाँ? कुछ नहीं अभी रिलीव नहीं करेंगे। चलो बतिया ठीक है देखा भी शाम हम फोन करी थे। चलो ठीक है ठीक है हम तुम्हारे दे रहे आज बहुत जाते हैं। अरे बुध से ना मतलब नवरात्र चलता है ना ऐसा कुछ तेरा नवरात्र बाधे हुई है एकदम करवा दीजिए फोन तो चले हम कई दो अब घर है कुबेरवा मालूम हो तो कई दो ना ही थोड़ा सा हम मतलब लेट से आपको
चला बस जाते ही कह दी। आपको बता दें कि इतना सब होने के बाद भी एसडीएम संजीव यादव ने अपनी हत धर्मिता बनाए रखी। इधर क्षेत्र में ज्यादा भागदौड़ और इलाज के लिए लखनऊ आने जाने में लेखपाल रामजन वर्मा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बीते 11 अप्रैल को परिवार वाले उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले गए, जहां इलाज के दौरान 12 अप्रैल को लेखपाल रामजन वर्मा ने दम तोड़ दिया। इस बात को लेकर उनके परिवार वालों पर काफी आक्रोश थे, लिहाजा उन्होंने अपनी आप बीती अपना दल एस जिला अध्यक्ष अविनाश पटेल को बताई। एसडीएम तहसीलपुर की कारागुजारी से नाराज अविनाश ने इसकी लिखित शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री जिले के प्रभारी मंत्री को पत्र भेज दिया था। जिलाधिकारी सुल्तानपुर जजीत कौर से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग कर डाली। अविनाश की माने तो तत्कालीन जिलाधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश के बाद भी एसडीएम जयसिंहपुर द्वारा लेखपाल रामजन्म वर्मा को रिलीव न करना आला अधिकारियों के आदेश का घोर उल्लंघन है। मात्र हत धर्मिता के चलते उन्होंने लेखपाल को रिलीव नहीं किया, जिससे क्षेत्र में भागदौड़ इलाज के लिए भागम भाग में उनकी मृत्यु हो गई। लिहाजा ऐसे निरकुश अधिकारी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी को पत्र दिया है। चलिए आपको इस मामले में अविनाश पटेल जिला अध्यक्ष अपना दल एस सुल्तानपुर का बयान सुनवा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। अध्यक्ष जी, आज आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की, क्या मामला था? आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। आपको ज्ञात होगा पिछले 12 तारीख को इसी महीने के राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर तैनात रामजन्म वर्मा की मृत्यु हो गई। और इसके पहले रामजन्म वर्मा ने सीआरओ साहब से मिलके और जिले अधिकारी से मिलके अपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दिया था और मैं स्वयं साथ में गया था इनके, और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट उनके स्वास्थ्य के परीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी महोदय और सीआरओ महोदय ने उनका ट्रांसफर जयसिंहपुर से सदर तहसील में इलाज कराने के लिए किया था। लेकिन अपनी हट धर्मिता के चलते हुए तत्कालीन एसडीएम संजीव यादव जी ने उनका ट्रांसफर रिलीविंग यहां नहीं किया जो है, जिससे उनको इलाज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना किया करना पड़ा। आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ऐसे हट धर्मी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा है और इसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिले के प्रभारी मंत्री जी से भी की है। मृतक लेखपाल किस चीज से भी, मतलब क्या बीमारी थी उनको? उनको शुरुआती में कार्ड फाइलेरिया था, उसके बाद उनके लीवर में समस्याएं होने लगी। अगर उनका रिलीविंग हो जाता तो वो अपना स्वास्थ्य का भी और दवा लेके अपना स्वास्थ्य भी देख सकते थे और क्षेत्र को भी देख सकते थे, लेकिन इतनी दूर जाने की वजह से वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिए। मैं चाहता हूँ इस तरीके की घटना और किसी भी कर्मचारी के साथ न हो, इसलिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी आवश्यक है। क्या जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है हमको कि इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई उनके ऊपर कराई जाएगी।